बड़का समाचार देखे के बाद अब रहे खबर छत्तीसगढ़ के और खबर छत्तीसगढ़ में सबले पहले आप मन लेके चलथन बलौदा बाजार। बलौदा बाजार न्यू योको सोनाडी सीमेंट प्लांट में आउटसोर्सिंग ला लेके तीर तिखार के गांव वाला मन क्षेत्रीय विधायक प्रमोद शर्मा संग एक दिन के सांकेतिक धरना प्रदर्शन करें। देखो रिपोर्ट। प्लांट प्रबंधक और प्रशासन ला अवगत कराए बर सांकेतिक धरना के प्रदर्शन करेंगे। लोगन के मांग है जिन कर्मचारी बाहर ले आए हैं उमन ला निकाल के प्रदेश के बेरोजगार मन ला योग्यता के अनुसार काम दे जाए। तरह के मांग के लिए आज यहाँ से शुरुआत हुआ है। मैं बलौदा बाजार विधानसभा में जितने भी सीमेंट प्लांट है, जितने भी उद्योग है, बाहर से लोगों को अगर रोजगार दिया जाएगा हमारे क्षेत्रीय लोग को छोड़ के, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे इसके लिए झगड़ा करना पड़े, तो वो भी जाने के लिए। मांग लेके बलौदा बाजार विधायक कंपनी प्रबंधक के पी शर्मा और एसडीएम तीरथ राज अग्रवाल ला ज्ञापन सौंपे। ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ पे कंपनी के धरना प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें क्षेत्र में जो समस्याएं कंपनी के संबंध में रोजगार का मामला हो या तो स्वास्थ्य की सुविधा है या सीएसआर एक्टिविटी है, उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। और प्रबंधक की समय समझिए कि कंपनी के द्वारा इनकी मांगों को पूरा किया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन दिया गया माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर ले लिए है। धरना प्रदर्शन करत लोगन मन प्लांट के मुख्य द्वार में बैठ के जोर जोर से नारेबाजी करें। बड़ी परेशानी, लोकल आदमी को एक भी आदमी को काम में नहीं लगाया और बिहारियों को प्राथमिकता दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं काम के लिए तो हम लोग का उम्र देख के हमको भगा दिया जाता है कि तुम्हारा 30 साल नहीं हुआ है, अभी 25 साल नहीं हुआ है। बिहारी लोगों को 18 साल 17 साल में लगा दिया जाता है। हम लोग रोज रोज काम में भटकते हैं, फिर भी हम लोग का काम नहीं लगता। बिहारी लोग का एक दिन में काम लगता है। यहाँ पर 100 में 80 लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कंपनी में कोई रिक्वेस्ट करने के करते हैं तो बस बता दिया करके हमारे बात को इधर उधर कर दिया जाता है और लगता किसी का नहीं है। हमारे गांव में प्लांट चल रही है, अब बच्चे लोगों का बस की सुविधा है, न हॉस्पिटल की सुविधा है, न बेरोजगारों को कोई नौकरी देता है। इतनी मनमानी करता है यहाँ, विचार में तो कोई सुनता ही नहीं। यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि भी सुस्ता है, यहाँ किसी के साथ नहीं देते। जैसे बच्चे लोग को अभी पिछले में बस सुविधा के लिए मैं बोला तो आके अपने कुछ लोग आके ये किए, जैसे भी वो थोड़ा बच्चे लड़कियों को मिला मगर लड़कों को नहीं मिला। भाई हम हमारी गांव में इतनी बड़ी प्लांट लगा है, हमको भी उम्मीद है कि हमको बेरोजगार है तो रोजगार मिले, बच्चे लोग को बस सुविधा मिले आने जाने के लिए। भाई बच्चे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो गढ़ेंगे ना। पलारी ले डिजिटल रिपोर्टर जगजीवन नारंगे के रिपोर्ट।